हाल ही में रोडीज के गैंग लीडर और बिग बॉस 9 के विनर प्रिंस नारोला के लिए एक बुरी खबर सामने आई। दरअसल एक हादसे में प्रिंस के भाई रुपेश की मौत हो गई, इसके चलते प्रिंस तुरंत ही टोरंटो रवाना हो गए। ऐसे में अब प्रिंस ने बताया है कि उनके भाई की मौत हुई कैसे थी। प्रिंस ने स्पोर्ट बॉय से बात करते हुए बताया, रुपेश की उम्र सिर्फ 25 साल की थी, वो हाल ही में अमेरिका शिफ्ट हो गया था। उसकी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, वही भाभी का वीजा नहीं हो पाया था जिसके चलते वो हमारे साथ ही रह रही थी। वो जल्द ही भाई के साथ अमेरिका शिफ्ट होने वाली थी। इसके बाद प्रिंस ने कहा, भाई फिलहाल परिवार के साथ टोरंटो में थे और सोमवार को बीच पर घूमने गए थे। बीच पर काफी देर इंजॉय करने के बाद उनका परिवार तो वापस घर आ गया, लेकिन भाई ने कहा कि वह कुछ देर अपने दोस्तों के साथ रुके, जिसके चलते वो उस वक्त घर नहीं आए। प्रिंस ने आगे बताया, कुछ देर और इंजॉय करने के बाद भाई के दोस्त ने भी कहा कि अब चलते हैं, तो भाई ने कहा कि तू चल मैं बताता हूँ। भाई की बात सुनकर दोस्त पार्किंग से कार लेने चले गए। जैसे ही वो पार्किंग से कार लेकर बाहर आया तो बीच पर चोर सुनाई दिया, डूब गया। ये सुनते ही दोस्त बीच पर भागे और रुपेश को सभी लोग ढूंढने लगे, लेकिन करीब 20 मिनट तक रुपेश भाई का कोई पता नहीं लगा और जब वो मिले तो उनकी मौत हो चुकी थी। प्रिंस ने बताया कि रुपेश के दोस्त से जब उन्होंने बात की थी तो उसने कहा, मुझे नहीं पता वो पानी में दोबारा कब और कैसे चले गए, क्योंकि रुपेश ने कहा था कि तू गाड़ी निकाल मैं आता हूँ, वहीं पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। प्रिंस ने आगे कहा, वो दोस्त ही भाई को अकेले अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई नहीं रहे। रुपेश के अंतिम संस्कार के बारे में प्रिंस ने बताया, उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही होगा, माँ बाप भाई का शव नहीं रहे, क्योंकि युविका यही भाभी के साथ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई नहीं रहे। रुपेश कहीं डिप्रेशन के शिकार तो नहीं थे? ये सवाल पर प्रिंस ने कहा, बिल्कुल नहीं, भाई बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, वो हमेशा खुश रहते थे और हाल ही में तो उनकी शादी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए अपने स्टेट।